हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोली होली वर्ल्ड। दोस्तों, टेलीविज़न की दुनिया भी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं समझी जाती। यहाँ से निकले हुए स्टार अक्सर बड़े पर्दे पर भी नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार हैं जो टीवी पर बड़ा धमाल करने के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पॉपुलर सीरियल रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी की। आइए जानते हैं क्या रही इनकी कहानी। सुनील लहरी जी का जन्म 9 फरवरी 1961 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ है। सुनील एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। बचपन दमोह में गुजरने के बाद इनका परिवार भोपाल में आकर शिफ्ट हो गया। इनके पिताजी का नाम शिखर चंद्र लहरी था। वे पेशे से एक डॉक्टर थे और एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का काम करते थे। और इनकी माताजी का नाम तारा लहरी है। लहरी जी के परिवार में उनके पिताजी, माताजी, एक बहन और दो भाई हैं, जिनका नाम शैलेंद्र लहरी और शशेंद्र लहरी है। सुनील लहरी जी की दो शादियां हुई हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम राधा सेन था और दूसरी पत्नी का नाम भारती पाठक है। सीरियल रामायण को तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके ज़्यादातर किरदार आज भी हमारे दिलों दिमाग पर छाए हुए हैं। चाहे उनमें राम का रोल निभाने वाले अरुण गोयल हो या सीता माता का रोल करने वाली दीपिका जी हो। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से अनजान हैं कि रामायण में राम के आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी कौन हैं और कहाँ हैं। हम आपको बता दें कि सुनील रामायण के बाद पॉपुलर सीरियल विक्रम और बेताल और दादा दादी की कहानियों में नज़र आए थे, लेकिन आज उनका लुक बिल्कुल बदल चुका है और उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं रह गया। दरअसल रामायण में उन्होंने अपने लक्ष्मण के किरदार से लोगों का दिल जीत लिया। इसी के चलते आज के समय में ज़्यादातर लोग उन्हें लक्ष्मण के नाम से भी जानते हैं। 1990 में इन्होंने टीवी सीरीज परमवीर चक्कर में भी अभिनय किया। रामायण में अपना जोरदार अभिनय करने से पहले इन्होंने जहां काम किया था, उसी काम को देखकर रामानंद सागर ने रामायण में लक्ष्मण के किरदार के लिए इन्हें चुना था। दोस्तों, सुनील जी के पिताजी एक डॉक्टर थे और मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिताजी का शव भोपाल के जेके मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया था। आपको बता दें कि सुनील लहरी ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म बहारों की मंजिल से की थी। फिल्मी दुनिया में सुनील लहरी अपने कुछ खास छाप छोड़ने में ज़्यादा सफल नहीं हुए। उनका एक जुनून उन्हें भोपाल से तो मुंबई ले आया, लेकिन उन्हें काम मिलने में काफ़ी कठिनाई हुई। 1980 में सुनील ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत अहमद अब्बास की मूवी द नेशनलिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती और शमिता पाटिल के साथ काम किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी साबित हुई थी। उसके बाद सुनील लहरी 5 साल पर्दे से गायब रहे। फिर 1985 में जयप्रकाश विनायक की फिल्म फिर आएगी बारात में बतौर हीरो नज़र आए, लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। लेकिन इसके संगीत ने लोगों का दिल मोह लिया और इस फिल्म के गीतों को खूब प्रशंसा मिली। 1991 में सुनील फिर नज़र आए एक और फिल्म बहारों की मंजिल में, लेकिन सुनील रामायण के लक्ष्मण के किरदार के बाद दर्शकों के मन में भगवान की तरह बस गए थे, इसलिए दर्शक पर्दे पर इन्हें अन्य किसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। और यही हाल रामायण में काम कर चुके हर कलाकार का था। 90 के दशक के बाद सुनील को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया, इसलिए उन्होंने अरुण गोयल जी के साथ अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।